यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले जनता को हाईटेक बस का तोहफा दिया। नोएडा में सड़कों पर ये बसें उतारी गई, बहुत शानदार ये बस है। मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से भी कहूंगा कि वो आपको दिखाए अंदर से बस कितनी शानदार है। एसी बस है, पूरी सेंट्रलाइज एसी बस है ये। जिस तरह से दिल्ली में रेड कलर की डीटीसी चलाई गई थी, इसी तरह से सीएम अखिलेश यादव ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा को इस शानदार बस का तोहफा दिया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस बस में जहां 40 से 50 सीटिंग है, वहां एक भी यात्री मौजूद नहीं है। बस जस की तस अपनी मंजिल पर जा रही है, लेकिन लगता है कि सड़कों पर लोग आने जाने वाले हैं ही नहीं। चलिए कंडक्टर साहब से ही जानते हैं कि आखिर जब बस इतनी अच्छी है तो लोग इसमें बैठने से बच क्यों रहे हैं, जबकि दूसरी और बसों में बहुत भीड़ है। कंडक्टर साहब, आप जानते हैं जो दूसरी बसें हैं उनमें काफ़ी भीड़ है, लेकिन जो एसी बस ये चली है इसमें भीड़ ना होने की वजह क्या है? एक्चुअल में सर, अभी अभी स्टार्ट हुआ, आज सेकेंड डे है। लोग बागों को इसका स्टॉपेज पता नहीं है कि बस रूट कहाँ जाएगी, इस वजह से दिक्कत हो रही है। पब्लिक को दिक्कत हो रही है, हमें भी दिक्कत हो रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम एक्सपेंड होगा वैसे वैसे काम कंटिन्यू होगा। अच्छा, सुबह से कितने चक्कर आपके इस वक्त इस बस में अभी लग चुके हैं? सुबह से लगभग ये 12वां चक्कर है। 12वां चक्कर। सुबह से कितने टिकट काटे आपने, कितनी सवारी चढ़ी बस में? लगभग जो टिकट मैंने काटे हैं सुबह से, लगभग 350 रुपये के ही काट पाया हूँ। अच्छा, अगर थोड़ा पकड़ने साहब बस के टिकटों पर अगर गौर किया जाए, कितने का टिकट सबसे कम वाला है, उससे ज़्यादा कितने का टिकट है, तो वो ज़रा बताएंगे? सबसे कम टिकट है 10 रुपीज़ और सबसे लास्ट टिकट है इसमें 25 रुपीज़। 10 से 25 तक का टिकट है? यस। अच्छा, जैसे सवारी अभी नहीं आ रही है, कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि नोट बंद हो चुके हैं और नोटबंदी के बाद लोगों की जेब में पैसा नहीं है तो वो महंगी बस में सफर करने से बच रहे हैं? यस, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, पर वजह चाहे जो भी हो, दिलचस्प बात यह है कि सीएम अखिलेश यादव ने नोएडा को जहां कई हजार करोड़ की सौगात दी है, तो वहीं इस बस की भी सौगात दे दी है, जो कि नोएडा की सड़कों पर बड़े शानदार तरीके से चल रही है। हालांकि अभी सवारियों को इसका चस्का नहीं लगा है, लेकिन आने वाले टाइम पे शायद नोटबंदी का असर कम होगा, लोगों की जेब में पैसा आएगा, तो बहुत मुमकिन है कि अब लोग भी इस बस में बैठना शुरू होंगे। फिलहाल सुबह से 12 चक्कर बस काट चुकी है, लेकिन टिकट महज 350 रुपये के कट पाए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश कमल के साथ नोएडा से गौरव सिंह की रिपोर्ट।